एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग को रविवार आईपीएल फाइनल में पहुंचा कर ये साबित कर दिया है कि शेर कभी पूरा नहीं होता और वो मुसीबत के वक्त हमेशा टीम के साथ खड़ा रहता है। दरअसल माही ने क्वालिफायर वन में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ विनिंग शॉट लगाकर येलो आर्मी को एक बार फिर ट्रॉफी के करीब ला दिया। दरअसल 15 अक्टूबर को एमएस धोनी की कोशिश होगी कि वो चेन्नई सुपर किंग को चौथी बार आईपीएल चैंपियन बनाए। रिटायरमेंट से पहले माही अपनी टीम को ये नायाब तोहफा जरूर देना चाहेंगे। दरअसल अगर येलो आर्मी शुक्रवार को फाइनल जंग कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत जाती है तो बेहद मुमकिन है कि महेंद्र सिंह धोनी अचानक रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। गौरतलब है कि अगले साल आईपीएल का मेगा ऑक्शन होने जा रहा है। मौजूदा नियमों के मुताबिक किसी भी फ्रेंचाइजी को नीलामी से पहले 3 प्लेयर रिटेन करने की इजाजत होगी। अगर एमएस धोनी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं तो सीएसके को फिर से माही को कम से कम 15 करोड़ सैलरी देनी होगी। इतने में कई यंग प्लेयर टीम में शामिल किए जा सकते हैं। ऐसे में एमएस धोनी सरप्राइजिंग डिसीजन के ये जाने जाते हैं। इस बार आईपीएल चैंपियन बनी तो माही का मिशन पूरा होगा और वो टीम की कमान नए प्लेयर को खुशी खुशी सौंप भी सकते हैं। धोनी चाहेंगे कि उनको मिलने वाली सैलरी से नई टीमें बनाई जाएं जो फ्रेंचाइजी के लिए नया इतिहास लिखने में मददगार हो। वहीं महेंद्र सिंह धोनी अगर एक खिलाड़ी के तौर पर आईपीएल को अलविदा कह भी देते हैं तो भी चेन्नई सुपर किंग का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगले साल माही इस टीम के नए मेंटर या कोच बन सकते हैं। खैर ऐसे में देखना आज काफी दिलचस्प होगा कि क्या मैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।